हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीजा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि आपका ये अगस्त का मंथ जो है वो कैसा जाएगा, यानी कि वर्गोस के लिए, यानी कि कन्या राशि वालों के लिए ये मंथ कैसा जाने वाला है। सो ये है आपकी सन मून एंड राइजिंग के लिए। तो चाहे आपका सन है, मून है या ये राइजिंग साइन है, यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। लेट्स सी कि क्या थीम रहने वाला है वर्गो के लिए इन द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, एंड वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एज वेल। सो पहली चीज़ तो ये, मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को जानने के लिए काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हो। ओके, आप काफ़ी स्ट्रेंथ लगा रहे हो शायद से अपनी लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स को बहुत डिटेल में समझने के लिए। चाहे कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आपका करियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपके आगे की प्लानिंग्स हो सकती हैं, बट इट्स लाइक काफ़ी ज़्यादा करेज लगाना, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को समझना, अपने परसेप्शंस को बदलना। ओके, जो भी आप अभी तक जिन परसेप्शंस के साथ चल रहे थे, जिन बिलीफ सिस्टम्स के साथ आप चल रहे थे, उनके अंदर एक चेंज लेके आना। तो काफ़ी मेहनत करते हुए दिख रहे हो, अपने ऊपर काफ़ी मेहनत करते हुए दिख रहे हो। ओके, इट्स लाइक आप कहीं ना कहीं एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनना चाह रहे हो, आप एक बेटर इंसान बनना चाह रहे हो, ठीक है। और उस बेटर इंसान को बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, उस चीज़ के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आप में से काफ़ी लोग अपनी ईगो पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, अपनी फॉल्स ईगो पे आप बहुत अच्छे से वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड आप देखोगे, आप जितना ज़्यादा अपनी फॉल्स ईगो पे वर्क करोगे, आप उतने ज़्यादा फ्री होते हुए दिखाई दोगे, ठीक है। आप और ज़्यादा अच्छे से डिसीजंस लेते हुए दिखाई दोगे, आपके अंदर एक असर्टिवनेस आती हुई दिख रही है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है। साथ में मुझे एक ये भी चीज़ लग रही है कि जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को लेके वर्क कर रहे हो, ठीक है, एंड आई थिंक आप बहुत स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो, काफ़ी स्लो पेस के साथ चल रहे हो, लेकिन इसके जो चेंजेस आपको एक्सपीरियंस होंगे वो होंगे अगस्त में, एंड काफ़ी बड़े चेंजेस एक्सपीरियंस होंगे, ठीक है, अच्छे लेवल पे एक्सपीरियंसेस होते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी चीज़ों में अबंडेंट फील करोगे। ओके, इमोशनली अबंडेंट फील करना, फाइनेंशियली अबंडेंट फील करना, आपके जो रिश्ते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते होंगे जो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। कुछ लोगों के साथ आपकी एक ऐसी जर्नी स्टार्ट होती हुई दिख रही है जो हमेशा आपको सिक्योर फील करवाएंगे, सेफ फील करवाएंगे। कुछ लोगों के लिए आपके रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी फैमिली जैसे होने वाले हैं। ओके, और बहुत आगे तक आपका साथ देंगे, बहुत आगे तक आपको हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे आपकी जर्नी में। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मे बी नेक्स्ट मंथ अगस्त में या सितंबर में हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल भी करो, हो सकता है आप कहीं शिफ्ट करने का सोच रहे हो, कहीं बाहर जाने का सोच रहे हो, एंड वहाँ पर आप अपनी लाइफ को सेटल करते हुए दिख रहे हो। ओके, कुछ लोगों के लिए जॉब के लिए आप कोई अपनी जगह चेंज कर सकते हो, कुछ लोगों का ट्रांसफ़र यहाँ पे मुझे होता हुआ दिख रहा है। सो एक न्यू लाइफ की स्टार्टिंग लग रही है मुझे कहीं ना कहीं, काफ़ी, बिकॉज़ मुझे एक्साइटमेंट वाली एनर्जी दिख रही है, काफ़ी क्यूरियस एनर्जी दिख रही है। एक ऐसा लग रहा है कि जैसे लाइफ ने एक अगर मुझे चांस दिया है तो मैं इसको कैसे एक बेस्ट तरीके से यूज़ करूँगा या करूँगी, वो मुझे थीम कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो कन्या राशि वालों के लिए आई थिंक आपका जो पूरा फोकस है ना, वो ज़्यादा आपके ऊपर होने वाला है, एंड बाकी लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे बहुत इनडायरेक्टली लग रहा है, कुछ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। लेट्स सी आपके करियर को लेके क्या मैसेज है। सो वी हैव पैशन इग्नाइटेड, सोलर प्लेक्सस, विजडम, फर्टिलिटी, डिस्ट्रप्शन,
रेस्ट एंड रेजुविनेट एंड बेस चक्रा. सो लाइक आई सेड कि आपका जो है ध्यान वो आपके खुद के ऊपर होने वाला है एंड वो बहुत ब्यूटिफुली होता हुआ दिख रहा है. आप में से काफ़ी लोग अपने पैशन को फॉलो करने वाले हो, यू आर चूजिंग समथिंग जिसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो. सोलर प्लेक्सस चक्रा की अवेकनिंग यहाँ पे मुझे होती हुई दिख रही है. तो अगर आप पहले अपनी चीज़ों को लेके ना, मुझे लगता है कि आप लेजी एम्बिशियस लोग थे, काफ़ी लोग, ठीक है, लेजी एम्बिशियस सबसे डेंजरस लोग होते हैं क्योंकि वो इतने एम्बिशियस होते हैं लेकिन एट द सेम टाइम वो बहुत लेज़ी होते हैं. ओके, तो वो ना कभी पास्ट में रह पाते, ना कभी प्रेजेंट में रह पाते, ना कभी फ्यूचर में रह पाते. वो हमेशा अपने दिमाग में रहते हैं, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं. सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने बेस चक्रा से, अपनी फियर वाली एनर्जी से ऊपर उठते हुए दिख रहे हो, ठीक है. कि अगर आपके अंदर जो प्रोकैस्टिनेशन वाली एनर्जी होती थी कि सोचते रहना लेकिन कुछ करना ना, लेज़ी हो जाना, ये सब चीज़ें, वो चीज़ें कम्प्लीटली एलिमिनेट होती हुई दिख रही हैं एंड काफ़ी विजडम आता हुआ दिख रहा है. काफ़ी चीज़ों को एसर्टिवनेस के साथ करते हुए दिख रहे हो. एक अच्छी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी मुझे लग रही है. काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने वाले हो. अपने गोल्स को लेके, अपने करियर को लेके एक अग्रेशन मुझे दिख रहा है, एक हेल्दी अग्रेशन मुझे दिख रहा है. तो अपने गोल्स को पाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो, बट इन अ वेरी हेल्दी मैनर. वो चीज़ मुझे यहाँ पे डेफिनेटली बहुत अच्छे से होती हुई दिख रही है. लेट्स सी एंजल्स की साइड से क्या मैसेज है. विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स अपॉर्चुनिटी रिकंसिडर, be assertive and we have there something better. Okay, सबसे पहली चीज़ तो ये कि मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके करियर के अंदर ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं. तो मेक श्योर, और स्पेसिफिकली अगर आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने का सोच रहे हो, लेट्स से कि अगर आप अब्रॉड कहीं बाहर पढ़ना चाहते हो या कुछ भी समथिंग रिलेटेड टू दिस या कोई बड़ी चीज़, तो इस चीज़ को लेके डेफिनेटली आपको रिकंसिडर करने की नीड है. ओके, हो सकता है कि आपको वो एक अपॉर्चुनिटी की जैसे दिखे लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ घपला हो जाए, या शायद से आपको यहीं पे और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, समथिंग लाइक दैट. तो जो अपॉर्चुनिटी जैसा दिखेगा आपको, बहुत ग्लिटरी सा कुछ दिख सकता है आपके करियर फील्ड में, आपके प्रोफेशनल फील्ड में, तो वहाँ पे एसर्टिव हो के रिकंसिडर करना है. ओके, कन्फ्यूजन में आके, कैरिड अवे होके, ऑल दैट स्पार्कल्स देख के कोई डिसीजन नहीं लेना है. ओके, अदरवाइज आपको बाद में उस चीज़ का पछतावा भी हो सकता है, बिकॉज यूनिवर्स इज सेइंग कि आपके पास इससे भी कुछ बेटर आ सकता है. सो डू नॉट सेटल फॉर लेस. ओके, एंड हो सकता है कि वो जो उससे बेटर होगा वो थोड़ा सा लेट आए, लेट्स से नेक्स्ट 3 to 4 months के बाद आए, बट डेफिनेटली आएगा, वो चीज़ डेफिनेटली होगी और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से होगी. सो इसलिए कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं लेना है अगस्त में अपने करियर से रिलेटेड, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड. सो लेट्स सी, लेट्स चेक अ येस एंड नो रीडिंग. अपने दिमाग में कोई भी क्वेश्चन सोचो जिसका आंसर येस एंड नो में होगा. So this is pile 1 and this is pile 2. Okay, तो अब आपको दोनों में से जो भी आपका question है सोच के आपको एक pile choose करना है, एक card choose करना है, या तो ये वाला या ये वाला. So if you have chosen first one, the pile 1, so here I would say the answer is no. Okay, it's like कि कुछ ऐसा करना, अपने कंफर्ट जोन से इतना बाहर आ जाना, आउट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के चक्कर में कि आप उस चीज़ में और ज़्यादा फंसते चले जाओगे, ठीक है. तो यहाँ पे आंसर नो है. एंड जिन्होंने कार्ड 2 चूज़ किया है, सो हियर आई वुड से 70% इट्स अ नो, 30% येस है. बिकॉज छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी डिटेल्स का ध्यान रखना है, बिकॉज़ एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है. ओके, सो यहाँ पे मेजरली इट्स अ नो एंड 30% इट्स अ येस. सो दैट वॉज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स. बाकी मैं मिलूंगी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें.